पुलिस ने पकड़ा 250 विस्फोटक सामान, दो गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस। आजमगढ़ देवगांव कोतवाली पुलिस ने बुधवार की रात सूचना के आधार पर दो स्थानों से 250 किग्रा विस्फोटक पदार्थ बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा पूरे जनपद में दशहरे के पर्व को देखते हुए रूट मार्च निकाला गया। इस दौरान देवगांव के वार्ड नंबर 10 में रूट मार्च के दौरान सूचना पर पुलिस ने दो दुकानों से 250 किग्रा विस्फोटक पदार्थ यानी पटाखा बरामद किया। पुलिस ने इनकी बिक्री में लगे दो लोगों को भी गिरफ्तार किया और कोतवाली ले आई। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि देवगांव के वार्ड नंबर 10 गोला बाजार में दुकान के बाहर पटाखे रखकर बेचा जा रहा था। पुलिस ने इस दौरान 250 किग्रा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। साथ ही इसकी बिक्री करने वाले सुजीत जायसवाल और धनेश्वर जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। पटाखे की भारी फैक्ट्री पकड़ाई है, पूरा मामला क्या है और पुलिस ने अब तक क्या अपडेट है? थाना देवगांव क्षेत्र में वार्ड नंबर 10 में गोला बाजार लगता है। यहाँ पर दो व्यक्तियों के द्वारा बाजार वाले क्षेत्र में, जो रिहायशी इलाका भी है, यहाँ पर पटाखे रखे हुए थे जिसका वजन लगभग 250 किलो है। यह रिहायशी इलाके से बरामद हुआ है और इसमें दो लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें एक का नाम सुजीत जायसवाल और दूसरे का धनेश्वर जायसवाल है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और शीघ्र ही इन्हें रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस के द्वारा ये चेकिंग लगातार चलती रहेगी और कहीं भी अगर रिहायशी इलाके में अगर पाया जाता है तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती रहेगी। सर, जिस प्रकार से इतना बड़ा संचालन हो रहा था, क्या इसको कानून खबर पुलिस को थी इसके पहले से अपने आसपास के इलाके में? उच्च अधिकारियों के निर्देश पे ये अभियान चलाया जा रहा था कि कहीं पे भी विस्फोटक सामग्री रिहायशी इलाकों में ना रखी जाए, तो सभी की यहाँ चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली। इस पुलिस के द्वारा संकलित सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करी गई। सर, ये अभी पूरे जनपद में इस तरीके से? ये पूरी जनपद में ये कार्रवाई की जा रही है, सभी जगह चेक किया जा रहा है सभी अधिकारियों के द्वारा, और कहीं पे भी अगर पाया जाएगा तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।